हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप का सक्शन यूनिट कैसे ऑपरेट करते हैं वो बताऊंगी। ये है इलेक्ट्रिकल सक्शन यूनिट जो कि बेबी हग का है। इसके साथ ये मिलती है सिलिकॉन पाइप। इसके दो एंड हैं और ये है इसका चार्जर, जिससे कि आप इसकी इलेक्ट्रिकल सक्शन यूनिट को चार्ज कर सकते हैं। ये देखिए, इसको सक्शन यूनिट पे यहाँ पे लगाते हैं, एक सिंबल भी बना हुआ है। आप इसको एक बार चार्ज करके कॉन्टिन्यूसली 2 आवर्स के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें एक और होल दिया हुआ है, ये देखिए। इस होल पे सिलिकॉन पाइप का एक एंड कनेक्ट करना है। कुछ इस तरीके से इसको प्रेस कर लेंगे, ये कनेक्ट हो चुकी है। और सिलिकॉन पाइप के दूसरे एंड को सेटअप पे लगाना है कुछ इस तरीके से। यहां पर हमें लगाना है, लगाकर इसे टाइट कर लेंगे। अब जो पोजीशन है हमारी वो सिटिंग पोजीशन होगी और स्ट्रेट बैठना है। जहां पर मेरा पाम है वहां पर ब्रेस्ट प्लेस करेंगे। अब शुरू करते हैं सक्शन यूनिट को कैसे ऑपरेट करते हैं। ध्यान रहे पाइप एकदम सीधी रहनी चाहिए, पाइप मुड़नी नहीं चाहिए। इसको सीधी कर लेंगे। ये है पावर बटन और प्लस और माइनस बटन मोड्स को बढ़ाने और घटाने के लिए है, और इससे मोड्स चेंज होते हैं। ये ऑन करते हैं, पावर बटन को प्रेस करेंगे, ये ऑन हो गया। स्टार्टिंग में इसमें सिमुलेशन मोड ही रहता है। ये देखिए, सिंगल ड्रॉप बना है, मतलब ये सिमुलेशन मोड पे है। ये देखिए, ये सिंगल ड्रॉप है, इसका मतलब ये सिमुलेशन मोड है। अभी ये मोड 1 पे ही चल रहा है। आप प्लस बटन से इसके लेवल को बढ़ा सकते हैं। देखिए, मैंने प्लस को प्रेस करके इसके लेवल को 2 कर दिया है, 3 कर दिया है। इसी तरह आप मैक्सिमम 9 तक जा सकते हैं। ट्रैक्शन मोड को ऑपरेट करने से पहले सिमुलेशन मोड चलाना ज़रूरी होता है, ताकि ब्रेस्ट को सिग्नल मिले कि हाँ, मिल्क एक्सट्रैक्ट होने जा रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि आप सिमुलेशन मोड को 9 लेवल तक चलाएं, आप 2-3 लेवल के बाद एक्सट्रैक्शन मोड पर स्विच कर सकते हैं। और अगर आपको लेवल कम करना है तो आप माइनस बटन प्रेस करके लेवल कम कर सकते हैं। चलिए अब मोड चेंज कर लेते हैं, एक्सट्रैक्शन मोड पे आ जाते हैं। ये देखिए, अगर आपने ध्यान से ऊपर देखा होगा डिस्प्ले पे, ये डबल ड्रॉप का साइन आने लगा। ये है एक्सट्रैक्शन मोड, और एक्सट्रैक्शन मोड अभी लेवल 1 पर चल रहा है। ये देखिए, अब इस लेवल को बढ़ाते हैं प्लस को प्रेस करके। देखिए, लेवल चेंज हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इसको 9 लेवल तक बढ़ा सकते हैं। एक सजेशन मैं आपको दूंगी, जल्दी जल्दी आपको लेवल नहीं बढ़ाना है एक्सट्रैक्शन में, नहीं तो आपको पेन हो सकता है। इसी धीरे धीरे करके आप लेवल को बढ़ाएं, और अगर आपको पेन हो रहा हो तो आप लेवल कम कर दीजिए। माइनस बटन प्रेस करके लेवल कम किया जाता है। ये देखिए, मैक्सिमम 9 लेवल तक आप एक्सट्रैक्शन मोड को कर सकते हैं। अब मोड वाले बटन को मैंने फिर से प्रेस किया तो ये रेसिडुअल मिल्क एक्सट्रैक्शन मोड लग गया। ये देखिए, सिंबल भी ऊपर चेंज हो गया। इस मोड से जो बचा हुआ मिल्क है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है लास्ट में। स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखें तो सबसे पहले सिमुलेशन मोड, सेकेंड है एक्सट्रैक्शन मोड, और थर्ड है रेसिडुअल मिल्क एक्सट्रैक्शन मोड। इसके भी 9 लेवल्स हैं, आप लेवल्स को प्लस माइनस बटन से बढ़ा या घटा सकते हैं।
पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप इसको स्विच ऑफ कर सकते हैं। दोबारा ऑन करना है, फिर से लॉन्ग प्रेस करेंगे ये ऑन हो जाएगा। इसमें बैटरी लेवल इंडिकेटर है, अगर ये फुल चार्ज है तो इसमें आपको 3 लाइन्स दिखेंगी। यूज़ करना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है और आप गलत यूज़ कर रहे हैं तो इससे आपको पेन भी हो सकता है, इसीलिए इसको सही तरीके से सही मोड्स पे यूज़ करेंगे तो ये यूज़ करने में बहुत ही आसान है। बेबी हग इलेक्ट्रिकल ब्रेस्ट पंप का सक्शन यूनिट है जिसको यूज़ करना मैंने आपको बताया है। पोर्टेबल है, आप इसको ईजिली कैरी भी कर सकते हैं।